सो गाइस, इस वीडियो में मैं ब्लू स्टॉक्स की बेस्ट सेटिंग्स बताने वाला हूँ। ब्लू स्टॉक्स को ओपन कर लेता हूँ मैं, और ये ओपन होगी, इसको बड़ा कर लेता हूँ। और अब मैं सेटिंग्स में चले जाता हूँ, और उसके बाद अब मैं इसको मीडियम टू कॉल पे करूँगा। और इसके बाद मीडियम टू कॉल पे कर लिया, अब मेमोरी एलोकेशन को, मेमोरी को भी 2GB ही करना है, और इसको हाई परफॉर्मेंस में कर देना है। और जो फ्रेम रेट है आपको 60 रखना है, और अगर और लो है तो 45 कर लेना, या फिर आप अगर आपका थोड़ा अच्छा पीसी है तो आप हाई फ्रेम रेट भी कर सकते हो। और अगर आपको, जब आप कोई सा भी गेम खेलते हो, जब आपको FPS दिखाना हो तो आप FPS का भी ऑन कर सकते हो, फिर नहीं करो तो ठीक है। आपको अब इसका रेजोल्यूशन 1280p कर लेना है, 720 है ना। और उसके बाद पिक्सल डेंसिटी आपको 240 dpi रखना है, ये बहुत अच्छा रहता है। और माउस कर्सर आप दोनों में से कोई सा भी रख सकते हो। और आपको इंटरफेस स्केलिंग आपको 100% डिफ़ॉल्ट ही करना है, इससे आपका जो रहता है ना वो हो जाता है। और ग्राफिक इंजन मोड आपको परफॉर्मेंस पे सेट करके रखना है, और जो ग्राफिक रेंडरर है उसको ओपन जीएल पे कर लेना है, ओके। और जो आपको इंटरफेस रेंडर रहेगा उसको ऑटो कर लेना है, फिर सॉफ्टवेयर कर लेना। और जो आपका टेक्सचर वाला वो होता है ना, डिसेबल करके रखना है, फिर सॉफ्टवेयर डिकोडिंग करना। और ये हो जाए, उसके बाद आप सेव कर लेना सेटिंग्स को। और ये जो GPU वाला है ना, इसको बंद करके रखना है, इसको करना नहीं है, और सेव कर लेना। और उसके बाद जो आपकी वो स्क्रीन है उसको राइट क्लिक कर लेना, टास्क मैनेजर खुल जाएगा। तो बस स्टार्टअप पर चले जाना, और स्टार्टअप पर चले जाने के बाद आपको डिसेबल कर लेना है। और जो माइक्रोसॉफ्ट वाली जो भी फाइल्स हैं उनको डिसेबल नहीं करना, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है आपकी PCs में, इसलिए आप माइक्रोसॉफ्ट वाले मत करना, ओके। और जो भी है उसे डिसेबल कर देना, जो आपको चाहिए वो मत कर। और फिर आपको क्या करना है, आपका जो विंडोज़ प्लस R क्लिक करना है, फिर आपको एक वो इंटरफेस हो जाएगा, फिर आपको जो परसेंटेज वाला नहीं होता वैसे लिखना है, परसेंटेज 10%। उसके बाद वो भी सारी फाइल्स उसको सेलेक्ट कर लेना है सारी, और जो भी डिलीट कर देना और स्किप कर देना जो ना है। और फिर वापस आपको करना है विंडोज़ प्लस R, और उसके बाद आपको टेम्प में जाना, आप परसेंटेज लगाने की ज़रूरत नहीं, और इसको भी सेलेक्ट प्लस ऑल कर लेना, और फिर डिलीट मार देना, और ब्लू स्टॉक्स अब बूस्ट हो चुका है। और ऐसे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।